हाउ टू ग्रो अ गेमिंग चैनल ऑन YouTube। आजकल जिसे देखो वो सिर्फ गेम्स खेलकर YouTube पे वायरल होना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है, जस्ट लाइक द टॉप क्रिएटर्स जिनके चैनल पर करोड़ों व्यूज आते हैं और जो हर वीडियो से लाखों कमाते हैं। एंड दैट्स व्हाई इस नीश में कॉम्पिटिशन है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन। और अब तो इट्स 2024, सो एक गेमिंग चैनल पे व्यूज लाना विल बी इवन मोर डिफिकल्ट बिकॉज और भी कई नए क्रिएटर्स मार्केट में एंटर करने वाले हैं। सो मैंने यूट्यूब के टॉप गेमिंग चैनल्स को स्टडी किया एंड आई ट्राई टू फाइंड आउट कि वो ऐसा क्या करते हैं जो बाकी के 95% क्रिएटर्स को पता ही नहीं है। अगर आप भी इन टिप्स को अपने चैनल पे अप्लाई करते हो देन ट्रस्ट मी यू विल गेट सो मच अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिशन एंड आपका चैनल भी बहुत ग्रो करेगा। स्टार्टिंग विद एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने लास्ट गेमिंग चैनल वाले वीडियो में कवर नहीं किया था, विच इज टाइटल एंड थंबनेल। सो मैंने यूट्यूब के सभी टॉप क्रिएटर्स के चैनल्स को चेक किया एंड आई फाउंड द स्ट्रेटजी जो ऑलमोस्ट 95% गेमर्स यूज करते हैं टू राइट टाइटल्स एंड मेक थंबनेल्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी आर मेकिंग अ गेम प्ले सीरीज ऑफ अ गेम रेसिडेंट ईविल 4। अब ऐसे में अगर कोई बिगिनर होगा तो वो एक बहुत ही सिंपल सा टाइटल लिखेगा लाइक रेसिडेंट ईविल 4 गेम प्ले #1, रेसिडेंट ईविल 4 गेम प्ले #2, गेम प्ले Part 1, Resident Evil 4 followed by their channel name, या फिर ऐसा कोई भी सिंपल सा कीवर्ड बेस्ड टाइटल। Sure, टाइटल में कीवर्ड्स होने जरूरी हैं, but let me ask you, क्या ये टाइटल्स क्लिकेबल हैं? The answer is of course not. And specially अगर आप सीरीज में गेम प्ले बनाओगे तो सारे टाइटल्स बहुत बोरिंग लगेंगे। सो अभी सेम गेम का एग्जाम्पल लेते हैं एंड देखो कि टेक्नो गेमर्स, बीस्ट बॉय शुभ एंड ट्रिगर्ड भाई ने कैसे टाइटल्स लिखे। कैन आई रेस्क्यू गर्ल फ्रॉम ज़ॉम्बीज़, रेसिडेंट ईविल 4 गेम प्ले #7, जिसका डर था वो आ गया, रेसिडेंट ईविल 4 Part 11, द हार्डेस्ट बॉस फाइट, रेसिडेंट ईविल 4 Part 3। इन तीनों एग्जाम्पल्स को देखो, यू कैन सी कि गेम प्ले में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग हुआ है या पूरे गेम प्ले का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, टाइटल उसी के बेसिस पे लिखा हुआ है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आल्सो हैव टू डू। आपको अपने वीडियो का USP ढूंढना है एंड उससे एक टाइटल फॉर्म करना है। वो कोई चैलेंज हो सकता है जो आपने गेम में फेस किया, कोई स्पेशल मोमेंट या फिर गेम में आपकी कोई अचीवमेंट। इस टाइप के टाइटल्स बहुत क्लिकेबल होते हैं बिकॉज इन्हें पढ़ते ही मन में कई क्वेश्चंस आते हैं जिसके वजह से क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट डेवलप होती है एंड ऑफ कोर्स इट मेक्स द व्यूअर्स क्लिक। After you have written the USP in your title, आपको गेम का नाम लिखना है which will serve as a necessary keyword and finally जैसे YouTube खुद recommend करता है आप episode number भी लिख सकते हो at the very end. Now title के साथ जो चीज़ हमेशा hand in hand चलता है वो है thumbnail. मैंने YouTube के कई top gaming creators के thumbnails को study किया and once again I found a common winning pattern in all of them. Just like the title, thumbnail में भी आप gameplay के best या फिर सबसे important moment का screenshot include कर सकते हो। If needed, screenshot के brightness and saturation को increase कर दो so that it pops. अगर इमेज में कुछ हाईलाइट करना है तो यू कैन ऑलवेज यूज एन एरो और अ सर्कल। देन अगर आप अपना फेस इंक्लूड करना चाहते हो तो मेक श्योर उसे थंबनेल के 1/3 एरिया में रखो, आइदर ऑन द लेफ्ट और द राइट साइड। अपने फेस को इंक्लूड करने से थंबनेल ज्यादा आई कैचिंग तो लगती ही है बट साथ ही वो आपके चैनल के ब्रांडिंग में बहुत हेल्प करेगी बिकॉज ऑल द थंबनेल्स विल लुक कंसिस्टेंट। एंड फाइनली आप टेक्स्ट का यूज कर सकते हो टू एड इवन मोर कॉन्टेक्स्ट इन योर थंबनेल्स। नॉट टू फॉरगेट कि आपका थंबनेल टाइटल के अकॉर्डिंग रेलिवेंट होना चाहिए बिकॉज एक टाइटल एंड थंबनेल कॉम्बिनेशन तभी क्लिकेबल होता है जब वो साथ मिलकर एक स्टोरी क्रिएट करे इन द माइंड ऑफ द व्यूअर्स, जस्ट लाइक ये थंबनेल कर रहा है। नाउ लुक एट द थंबनेल्स ऑफ योर फेवरेट गेमिंग चैनल्स एंड यू विल सी कि ऑलमोस्ट सब ये या फिर इससे सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं, स्क्रीनशॉट ऑफ द बेस्ट मोमेंट, फेस इन 1/3 एंड ऑफ कोर्स ग्राफिक्स एंड और टेक्स्ट इफ नीडेड। एंड इस सेम पैटर्न से आप भी एक बहुत ही क्लिकेबल गेमिंग थंबनेल बना सकते हो। नाउ एक अच्छा पैकेजिंग व्यूअर्स को आपके वीडियो पे क्लिक तो करवा देगा बट अगर एक्चुअल वीडियो ही बोरिंग होगी तो क्लिक करवाने का क्या ही फायदा बिकॉज नो वन इज गोइंग टू वॉच अ बोरिंग वीडियो। अब ये सच है कि एक गेमिंग वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए गुड गेमिंग स्किल्स, अच्छे वीडियो आइडियाज और एक फन गेम की जरूरत है, बट स्टिल आई बिलीव कि एक चीज है जिससे आप किसी भी गेमिंग वीडियो को इंस्टेंटली इंटरेस्टिंग बना सकते हो एंड दैट इज एडिटिंग। लास्ट गेमिंग चैनल वाले वीडियो में मैंने 4 एडिटिंग टिप्स शेयर किए थे एंड टुडे आई विल शेयर 5 मोर जो आपके वीडियोस को लेवल अप कर देंगे। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टिप, आप अपने गेम प्ले के रिकॉर्डिंग को एनहांस करने के लिए कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन कि आपको गेम प्ले फुटेज के कलर्स कैसे चाहिए, यू कैन प्ले अराउंड विद डिफरेंट एडजस्टमेंट सेटिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जो माइनक्राफ्ट का क्लिप है मुझे इसमें ब्राइटनेस की कमी लग रही है, सो मैं इनशॉट के एडजस्ट सेटिंग में जाके पहले इसके ब्राइटनेस को इंक्रीज कर दूंगा। अब ऑफ कोर्स अगर ब्राइटनेस बढ़ाया है तो वील इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट एज वेल ताकि कलर्स बैलेंस आउट हो जाए। आफ्टर दिस वील जंप ऑन टू सैचुरेशन एंड दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस। इसे आप जितना इंक्रीज करोगे कलर्स की इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ेगी and the shades of your gameplay will start to pop. So मैं saturation को increase करके 12 कर दूंगा and you can see the video is already looking great.
फाइनली इफ यू वॉन्ट आप वॉर्म्थ को बढ़ा या घटा सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कैसा मूड क्रिएट करना है एंड ऑल्सो यू कैन इंक्रीज द शार्पनेस टू गेट मोर क्लैरिटी एंड दैट्स हाउ यू कैन ईजिली कलर ग्रेड योर गेम प्ले. After this, let's talk about using effects for storytelling. यहाँ पे मेरे पास एक normal सी clip है एक creeper के explode करने की. Now see how we can make it interesting just by using some effects. सबसे पहले मैं इस clip को यहाँ से और फिर यहाँ से split कर दूँगा. फिर I'll go to adjust settings and यहाँ पे saturation को पूरा कम कर दूँगा so that the clip becomes black and white. इसके बाद I'll go to veneer और इससे भी बढ़ा देंगे up to 70 और 75. After this, मैं क्लिप के स्टार्ट में आ जाऊंगा एंड यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करूंगा एंड दूसरा की फ्रेम क्लिप के एंड में ऐड करके वीडियो को जूम कर दूंगा जिससे इस क्लिप में एक स्लो जूम इफेक्ट ऐड हो जाएगा. नाउ ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है बट इसमें सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज बाकी है एंड दैट इज एडिंग साउंड इफेक्ट स्लैश म्यूजिक. तो अभी मुझे जो साउंड यूज करना है सीन में उसके लिए मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करूंगा सैड पियानो मी म्यूजिक एंड इसका MP3 डाउनलोड कर लूंगा. नाउ बैक टू InShot, आई विल गो टू द बिगनिंग ऑफ द क्लिप एंड यहां पर आई विल ऐड दिस साउंड. फाइनली इसके वॉल्यूम को थोड़ा कम कर देंगे एंड नाउ यू कैन सी हमने एक सैड येट कॉमिकल इफेक्ट क्रिएट कर दिया है. अब एक और चीज जो हम कर सकते हैं टू मेक आर वीडियोस इवन मोर इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग इज एडिंग मीम्स एंड फनी क्लिप्स. यूट्यूब पे आप जो भी मीम सर्च करोगे आपको उसका क्लिप या ग्रीन स्क्रीन फुटेज मिल जाएगा जिसे आप अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आई विल सर्च क्राइंग मीम ग्रीन स्क्रीन एंड इनमें से जो मुझे यूज करना है वीडियो में उसे डाउनलोड कर लूंगा. बैक टू InShot, यू कैन सी मेरे पास एक क्लिप है वेयर स्टीव हैज डाइड. तो जिस मोमेंट पर वीडियो में रिस्पॉन्स स्क्रीन आया है मैं वहां पर इस मीम को ऐड करने वाला हूं. इसके लिए आई विल गो टू PIP एंड जो मीम हमने डाउनलोड किया है उसे मैं इंपोर्ट कर दूंगा. देन आई विल गो टू क्रोमा एंड स्लाइडर को ग्रीन एरिया पे मूव कर दूंगा जिससे स्क्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा एंड देयर वी गो. इस टाइप से आप किसी भी मीम या फनी क्लिप का यूज करके अपने वीडियो को और भी एंटरटेनिंग बना सकते हो. And the final editing tip for this video is adding transitions. एक अच्छा gameplay video बनाने के लिए आप game के boring moments को cut करके remove कर सकते हो and उन clips के बीच में smoothness लाने के लिए transitions add कर सकते हो. आप अपने video editor के default transitions का use कर सकते हो और if you want to be even more creative then आप YouTube से भी transitions download कर सकते हो. ये कैसे करना है मैंने इस editing tutorial में सिखा रखा है, चाहो तो देख सकते हो. ओके, वीडियो को एडिट करना तो सीख लिया बट अब एक क्वेश्चन है जो बहुत से क्रिएटर्स पूछते हैं एंड दैट इज कि हमें शॉर्ट्स बनाने चाहिए या फिर लॉन्ग वीडियोस. ये दोनों ही वीडियो टाइप्स के अपने अपने फायदे हैं सो हम कौन सा चूज करें. वेल, एक शॉर्टकट है जिससे आप लॉन्ग वीडियोस एंड शॉर्ट्स एक साथ अपलोड कर सकते हो एंड दैट इज कॉन्टेंट रीपैकेजिंग. अगर आप अपने चैनल पर लॉन्ग वीडियोस अपलोड करते हो देन अपने गेम प्ले के बेस्ट मोमेंट्स को ट्रिम करके आप उसे शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड कर सकते हो. एंड सरप्राइज, यूट्यूब नाउ हैज अ फीचर टू ऐड रिलेटेड वीडियो. मतलब आप अपने शॉर्ट्स से अपने चैनल के किसी भी और वीडियो को कनेक्ट कर सकते हो. सो व्हाट यू कुड डू इज आपने जिस लॉन्ग फॉर्म वीडियो से उस क्लिप को ट्रिम किया है उस वीडियो को रिलेटेड वीडियो में ऐड कर दो एंड जो शॉर्ट वीडियो है उसकी एडिटिंग करते वक्त यू कुड ऐड अ टेक्स्ट दैट सेज क्लिक हियर टू वॉच द फुल वीडियो. सो अगर किसी भी व्यूअर को आपका वो शॉर्ट पसंद आ रहा है एंड वो पूरा वीडियो देखना चाहता है देन वो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकता है एंड दे विल बी रीडायरेक्टेड इंस्टेंटली टू योर फुल गेम प्ले वीडियो. सो नॉट जस्ट हमने लॉन्ग वीडियो से शॉर्ट्स बना दिया बट साथ ही साथ उन शॉर्ट्स से लॉन्ग वीडियोस को भी प्रमोट कर दिया. एक और जगह जहां कंटेंट रीपैकेजिंग काम आता है इज इन द केस ऑफ लाइव स्ट्रीम्स. अगर आप अपने चैनल पर गेम खेलते हुए लाइव स्ट्रीम करते हो देन उसके बेस्ट मोमेंट्स को ट्रिम करके आप ढेर सारे यूट्यूब शॉर्ट्स बना सकते हो एंड अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हो. नॉट जस्ट दिस, लाइव स्ट्रीम के मल्टीपल बेस्ट मोमेंट्स को ट्रिम करके आप कॉम्पाइलेशन वीडियोस बना सकते हो लाइक टॉप 10 बेस्ट मोमेंट्स और टॉप 10 फनी मोमेंट्स या फिर टॉप 10 किल्स एंड यू विल गेट लॉट्स ऑफ व्यूज फ्रॉम दिस प्लस यू विल सेव योर टाइम. Alright, so हमने बहुत सी चीजों के बारे में जाना like title, thumbnail, editing, content repackaging. But the truth is कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी maximum creators का channel grow नहीं करेगा because वो एक common mistake करेंगे जो हर नया creator करता है and that is वो शुरू से ही gameplay videos upload करेंगे.
श्योर, अगर आपका भी गेम प्ले इंटरेस्टिंग है, टाइटल में एक बहुत अच्छा यूनिक सेलिंग पॉइंट है और थंबनेल क्लिकेबल है, तो आपको भी व्यूज आ जाएंगे। बट स्टिल BGMI गेम प्ले, फ्री फायर गेम प्ले, माइनक्राफ्ट गेम प्ले, इन सभी कीवर्ड्स में रैंक करना बहुत डिफिकल्ट है, सो सर्च से व्यूज आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आपके पास लेट्स से 1,000-10,000 सब्सक्राइबर्स की ऑडियंस भी है, तो उनमें से बहुत लोग आपके गेम प्ले में इंटरेस्टेड होंगे, बट क्योंकि नए क्रिएटर्स के पास पहले से ये ऑडियंस नहीं होती है, तो उनके गेम प्लेस को देखेगा कौन? एंड दैट्स व्हाई बिफोर यू अपलोड गेम प्लेस, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने चैनल पर एक इनिशियल ऑडियंस बेस बिल्ड करो। और वो कैसे करें? वेल, कुछ स्पेसिफिक टाइप के वीडियोस हैं जिन्हें कोई भी इजीली बना सकता है एंड बहुत सारे व्यूज ला सकता है, नो मैटर उसके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ वीडियो इन दिस लिस्ट इज न्यूज एंड अपडेट्स। नो मैटर आप कौन सा गेम खेलते हो, उसके कम्युनिटी में हमेशा कोई ना कोई न्यूज या फिर गेम से रिलेटेड अपडेट्स आते ही रहते हैं। सिंस ये टॉपिक्स बहुत ही ट्रेंडिंग होते हैं, अगर आप इन पे वीडियोस बनाते हो, देन आपके व्यूज आने के चांसेस नॉर्मल से कई ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप चाहो तो उस न्यूज और अपडेट के बारे में एक लॉन्ग फॉर्म डिटेल वीडियो बना सकते हो, और यू कैन गिव अ क्विक ओवरव्यू इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स। नाउ ऑल्दो न्यूज और अपडेट वीडियोस बना के आप बहुत सारे व्यूज गेन कर सकते हो, बट देयर इज अ कंडीशन कि आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज होना चाहिए, विच मीन्स कि जो भी न्यूज या अपडेट पे आप वीडियो बना रहे हो, वो आपको दूसरों से पहले शेयर करना है, और वो भी जितनी हो सके उतनी जल्दी। अब क्योंकि गेमिंग एक बहुत ही क्राउडेड नीश है, तो बीइंग एन अर्ली बर्ड इज नॉट ऑलवेज इजी। सो इफ यू डोंट वांट टू मेक न्यूज एंड अपडेट्स, यू कैन ट्राई अनदर टाइप ऑफ वीडियो ऑन आवर लिस्ट, दैट इज ट्यूटोरियल्स। लेट्स से मेरा माइनक्राफ्ट का गेमिंग चैनल है एंड आई वांट टू मेक अ ट्यूटोरियल ऑन आयरन फार्म। अब ऑफ कोर्स ये सबको पता है कि अगर माइनक्राफ्ट आयरन फार्म ट्यूटोरियल इस कीवर्ड पे वीडियो बनाए, तो व्यूज लाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज नंबर 1, इस पे पहले ही बहुत वीडियोस बने हुए हैं, एंड नंबर 2, जितने भी वीडियोस इस कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं वो सभी बड़े क्रिएटर्स के हैं विद लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। सो अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, देन ऐसे ट्यूटोरियल्स पे व्यूज लाना इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो फिर क्या करें? वेल, यू हैव टू मेक ट्यूटोरियल्स बट विथ लो कॉम्पिटिशन। सो आई गो टू यूट्यूब सर्च एंड वहां पे आई राइट अ कीवर्ड माइनक्राफ्ट आयरन फार्म। नाउ क्योंकि ये एग्जैक्ट कीवर्ड में बहुत कंपटीशन है, तो हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और बेसिकली एक रिलेटेड कीवर्ड फ्रेज फाइंड करेंगे जिसमें कंपटीशन थोड़ा कम हो। तो इसके लिए यहाँ जितने सजेशंस आ रहे हैं उसमें से किसी एक पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर A to Z या 1 to 10 में से कोई कैरेक्टर टाइप करो। सो फॉर एग्जाम्पल आई टाइप द लेटर C एंड आप देख सकते हो बहुत सारे सजेशंस आ चुके हैं। सो इसमें से जो भी सही लगे उस पे क्लिक करेंगे, लाइक आई क्लिक ऑन कमांड ब्लॉक एंड वंस अगेन वी हैव मल्टीपल सजेशंस फ्रॉम YouTube। नाउ जितने भी कीवर्ड फ्रेजेस यहाँ दिख रहे हैं, इनमें कंपटीशन इनिशियल कीवर्ड के मुकाबले काफी कम होगा। ऑफ कोर्स गेमिंग एक क्राउडेड नीश है, तो थोड़ा कंपटीशन यहाँ भी है, बट स्टिल एज अ स्मॉल क्रिएटर आप इन कीवर्ड फ्रेजेस को टारगेट करके वीडियोस बना सकते हो, क्योंकि इन पे व्यूज आने के चांसेस ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस सजेशन पे क्लिक करूँ, हाउ टू मेक आयरन फार्म इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन विद कमांड ब्लॉक, आप देख सकते हो पहले यूट्यूब शॉर्ट के 76,000 व्यूज है and the creator of this video only has around 200 subscribers. Then there's another long form video with 6,000 views and creator ke sirf 500 subscribers hain. So isse clear ho jata hai ki smaller channels bhi is keyword pe rank kar sakte hain. Also I can see ki jo bhi videos is keyword phrase pe bane hain, unke titles, descriptions and thumbnails acche se optimized nahi hai for the algorithm. So agar aap in cheezon par dhyan dete ho and you create the video tactically, then you can get lots of views from YouTube search, and that's how you can grow by making low competition tutorials. After this, the third type of video on our list is collaboration. अगर आपने अपना चैनल अभी स्टार्ट ही किया है, देन कोलैबोरेटिंग विद अनदर क्रिएटर इज द फास्टेस्ट वे टू गेट एन इनिशियल ऑडियंस बेस। और हाँ, आपको कोई लाखों सब्स वाले चैनल से कोलैब करने की जरूरत नहीं है, यू कैन कोलैब विद स्मॉलर क्रिएटर्स जस्ट लाइक योरसेल्फ एंड स्टिल गेट द जॉब डन। अगर आप कोलैबोरेशन करना चाहते हो, देन देयर आर 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड। नंबर 1 इज फाइंडिंग अ कंपैटिबल चैनल। आपको कोई ऐसा क्रिएटर फाइंड करना है जो आपके चैनल से सिमिलर हो इन टर्म्स ऑफ योर ऑडियंस साइज एज वेल एज योर गेमिंग इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स अगर माइनक्राफ्ट का चैनल है, तो GTA 5 बेस्ड चैनल से कोलैब करके क्या ही करोगे। पॉइंट नंबर 2 इज क्रिएटिंग यूनिक आइडियाज। उससे पहले कि आप सामने वाले से कहो कि आप कोलैब करना चाहते हो, आपके मन में एटलीस्ट 3 से 4 बहुत अच्छे वीडियो आइडियाज होने चाहिए। मेक श्योर जो भी आइडिया आप चूज करो, इट इज इजी टू मेक येट हैज द पोटेंशियल टू गेट व्यूज। एंड पॉइंट नंबर 3, पिच प्रोफेशनली। देखो, आप तो इसलिए कोलैब करना चाहते हो बिकॉज यू वांट टू ग्रो योर ऑडियंस, बट यू आल्सो हैव टू कंसीडर कि सामने वाले को कोलैब करके क्या मिलेगा। दैट्स व्हाई जब आप कोलैबोरेशन के लिए ईमेल या मैसेज लिख रहे हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट द म्यूचुअल बेनिफिट। एक्सप्लेन करो कि कैसे उस कोलैब से आप दोनों की ऑडियंस एक दूसरे के चैनल पे जा सकती है, हेल्पिंग बोथ ऑफ यू टू ग्रो।
इसके अलावा आपको अपने चैनल के बेस्ट वीडियोस का लिंक शेयर करना है फॉर द कोलैबोरेटर्स रेफरेंस एंड ऑल्सो आपको बताना है कि आपने कोलैब के लिए उनका ही चैनल क्यों चुना एंड दैट इज हाउ यू कैन कोलैब फॉर अ गेमिंग चैनल। ऑल राइट, सो हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं बट स्टिल देयर आर सम मोर टॉपिक्स जैसे कि स्टोरी टेलिंग, वॉइस ओवर एंड सम मोर एडिटिंग टिप्स जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड देम इन दिस वीडियो। ये गेमिंग चैनल ग्रो करने की मेरी पहली वीडियो है सो जल्दी से इस पे क्लिक करो और देखो। एंड या मैं आपसे वही मिलूंगा, बाय।